मीटर सेतु से चालक तार का प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रयोग में हम जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं वह व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु एक वर्ग की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध लगाकर एक विकर्ण में बैटरी और एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर जोड़ने पर बनता है। जब बी बिंदु और डी बिंदु समान बिंदुओं पर होते हैं उस समय गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है और ऐसी स्थिति में जो धारा ए से बी की ओर बहती है वही धारा बी से सी की ओर बहकर यहाँ एकत्रित होती है और यहाँ पर जो धारा ए से डी की ओर बहती है वही धारा डी से सी की ओर बहकर पुनः एकत्रित हो जाती है। इस स्थिति में P और Q का अनुपात R अपॉन S प्राप्त होता है जैसा हमने सिद्धांत में पढ़ा है। यहाँ इस परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु बनाने का प्रयास किया गया है। ये मीटर सेतु ये पूरी पत्ती A नाम से जानी जाती है, A बिंदु नाम से। ये पूरी पत्ती C बिंदु नाम से जानी जाती है। ये पत्ती D नाम से जानी जाती है और जहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उसे हम बी बिंदु कहते हैं। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। सी और डी के बीच में अज्ञात चालक तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है लगा रखा है। बैटरी विकर्ण ए और सी पर जोड़ रखी है जिसमें बीच में एक कुंजी लगा रखी है और बी तथा डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए लगाया गया है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें जिस सारणी की आवश्यकता है वह प्रेक्षण सारणियां दो हैं। पहली प्रेक्षण सारणी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए है। दूसरी प्रेक्षण सारणी स्क्रू गेज से इसी अज्ञात चालक तार के व्यास को ज्ञात करने के लिए है। हम प्रेक्षण सारणी प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रायोगिक व्यवस्था कैसी जमाई जाती है उसे हम समझेंगे। हमारे टेबल पर अभी व्यवस्था समझी थी वैसी व्यवस्था यहाँ टेबल पर बनी हुई है। यह पूरा मीटर सेतु एक लकड़ी के तख्ते पर लगाया हुआ है। यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक का पत्ती ए बिंदु के नाम से जानी जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पत्ती डी बिंदु के नाम से, यहाँ से यहाँ तक की पत्ती सी बिंदु के नाम से और जो इसका भाग है जहां हम तार मीटर सेतु का तार बोलते हैं वो ए से लेकर सी बिंदु के बीच में लगाया हुआ है। ए तथा डी के बीच में हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स लग रहा है। बी और जोकी के बीच में जहां संतुलन बिंदु आएगा वो डी बिंदु होगा, वो बी बिंदु होगा, उसके यहां पर ये जोकी लगा रखी है। साथ ही डी और सी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस लगा रखा है और बैटरी के लिए एक बैटरी एलिमिनेटर लगा रखा है। हम एलिमिनेटर की बजाय किसी सेल को भी काम में ले सकते हैं। जैसे ही बैटरी एलिमिनेटर ऑन होता है हम कुंजी को भी ऑन करेंगे और कोई प्रतिरोध जिसका मान जैसे अभी 2 ओम है हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला। परिपथ सही है या नहीं इसकी जांच के लिए हम मीटर सेतु तार के दोनों सिरों पर स्पर्श कराकर जोकी को और देख रहे हैं ये डिफ्लेक्शन, यह डिफ्लेक्शन राइट में जा रहा है। सही वापस यहाँ पे टच, यह विक्षेप दाईं तरफ जा रहा है जबकि इसके बाएं सिरे पर यह बाईं तरफ जा रहा है। इसका मतलब संतुलन सही है। अब हम संतुलन लंबाई ज्ञात करने के लिए ये देख रहे हैं जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कहाँ संतुलन लंबाई आ रही है। यहाँ पर ये नल पॉइंट आ गया है। इस नल पॉइंट की दूरी हम ए बिंदु से पढ़ेंगे जो अभी लगभग 43 सेंटीमीटर 43 सेंटीमीटर आ रही है। इसे हम L अथवा L1 के रूप में जानते हैं। अब पुनः
प्रतिरोध को बदल बदल के 3 ओम 4 ओम 5 ओम इस प्रकार से हम अलग अलग प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध लेकर ए सिरे से संतुलन लंबाई निकालते रहेंगे। जब 5 पाठ्यांक हो जाएंगे संतुलन लंबाई के तो रेजिस्टेंस बॉक्स और प्रतिरोध तार को परस्पर बदल देंगे और उस समय जो संतुलन लंबाई ली जाएगी वो अब की बार सी सिरे से ली जाएगी। जो ए सिरे से संतुलन लंबाई ली थी और जो सी सिरे से संतुलन लंबाई ली थी दोनों का औसत निकालकर हम औसत एल या एल वन जिस जो भी नाम हम पुकारे वो ज्ञात करेंगे। आगे की जो गणना है वो हम श्यामपट से समझते हैं। अभी हमने 2 ओम का प्रतिरोध निकाला था और ए सिरे से संतुलन लंबाई हमें 43 पर प्राप्त हुई। हम यहां पर प्रतिरोध बदल बदल के 3 ओम 4 ओम 5 ओम और 6 ओम यहां जो भी संतुलन लंबाई आएगी वो लिखेंगे और जब रेजिस्टेंस बॉक्स को एस की जगह और एस को रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह लगाएंगे तो यहां से संतुलन लंबाई प्रारंभ हो जाएगी और इसके साथ वाली लंबाई यहां लिखेंगे जो कि कहां से ली होगी सी सिरे से। उन दोनों का औसत यहां निकालते हुए हम ऊपर की तरफ चलेंगे और जब ये पाठ्यांक हमारा ये आएगा इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमारी औसत संतुलन लंबाई आएगी। अभी इस केस में इन दोनों की जोड़ 89 हो रही है उसका औसत 44.5 सेंटीमीटर आ रहा है। हम सूत्र में इस प्रकार से मान रखेंगे अज्ञात प्रतिरोध का तार निकालने के लिए S इज इक्वल टू 100 माइनस 44.5 डिवाइडेड बाय 44.5 इनटू वैल्यू ऑफ R। यह कैलकुलेशन करने पर हम अगर देखें तो आंसर आएगा 2.49 ओम। यह मान यहां रख दिया जाएगा और इस प्रकार से हम यहां क्रमबद्ध 1, 2, 3, 4, 5 बार S का मान ज्ञात कर लेंगे। इन 5ों का औसत निकालकर वह हमारे लिए S का औसत मान हो जाएगा और उस औसत मान को लेकर हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहेंगे चालक तार का। तो उसके लिए हमें पहले स्क्रू गेज की सहायता से चालक तार का व्यास ज्ञात करना है। कक्षा 11 में हमने स्क्रू गेज की सहायता से चालक तार का व्यास ज्ञात करना सीखा है जिसमें पहले हम वृत्ताकार पैमाने का अर्धमान निकालेंगे। अभी हमारे पास जो स्क्रू गेज है वो इसमें वृत्ताकार पैमाने पर कुल विभागों की संख्या 100 है और इसे एक चक्र देने पर यह मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर खिसकता है अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 में 100 का भाग देने से इसका अल्पतमांक 0.001 आता है। हम चालक तार के ऊपर स्क्रू गेज को लगाएंगे और लगाने के पश्चात पाठ्यांक देख रहे हैं। मुख्य पैमाना अभी 0 है और वृत्ताकार पैमाना 46 खाने हैं। 46 को 0.001 से गुणा करेंगे और उसे मुख्य पैमाने के पाठ्यांक 0 में जोड़ेंगे तो यह एक ही बार बताया जा रहा है। हम इसको तार को यहां से खोलकर अलग अलग स्थानों पर 3 बार इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। हमने स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए चालक तार का व्यास 0.046 सेंटीमीटर ज्ञात किया। एक बार किया, 3 बार निकाल के हम औसत निकाल सकते हैं। अभी इसमें व्यास में यदि 2 का भाग देंगे तो दिए गए चालक तार की त्रिज्या का मान आएगा जो कि हम देख रहे हैं 0.023 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या और चालक तार की लंबाई दोनों को अगर हम काम में लें तो दिए गए सूत्र
एस पाई आर स्क्वायर बाई एल की सहायता से हम चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एस का मान एक पाठ्यांक से निकाला है 2.6, पाई 3.14, आर 0.023 इन सेंटीमीटर्स, और तार की लंबाई जैसा हमने मापा था 50 सेंटीमीटर है। ये 2.6 हमने इस 2.49 का लगभग 5 पाठ्यांक के बाद में औसत निकाला है, वो 2.6 लिखा है। इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो मान आता है वो 86.3 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यह इस मीटर सेतु की सहायता से जो हमें उद्देश्य दिया गया था, चालक तार का प्रतिरोध, उसका व्यास और त्रिज्या, उसकी लंबाई और फॉर्मूला विशिष्ट प्रतिरोध की सहायता से हमने उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान ये ज्ञात किया है। हम हमारा क्रम संख्या किताब में चौथा प्रयोग दिया हुआ है, विभव माटी द्वारा दो दिए गए प्राथमिक सेलों के ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल की तुलना का, उसे करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले परिपथ चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा। विभवमापी का तार ए से बी तक, यहाँ चित्र में एक ही तार दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तविक रूप में ये 10 तारों का एक समूह श्रेणी क्रम में होता है। संचायक सेल अथवा दिष्ट धारा के स्रोत को श्रेणी क्रम में तार पर ए बिंदु पर जोड़कर, दिष्ट धारा स्रोत का माइनस वाला सिरा एक कुंजी पर जोड़कर, और साथ में धारा नियंत्रक के 3 सिरे होते हैं, उनमें से एक सिरा नीचे का और एक सिरा ऊपर।